नमस्कार दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ के चलते झारखंड में भारी भयंकर बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट और अगले 5 दिनों तक मौसम में बदलाव होने के साथ परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी लोहरदगा, लातार, कोडरमा, खूंटी, जामताड़ा, हजारीबाग, गुमला, गोड्डा, गिरिडीह, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, धनबाद, देवघर, बोकारो, चतरा, सिमडेगा, खरसावा, सरायकेला, साहिबगंज, रांची, रामगढ़, पलामू, पाकुड़ समेत झारखंड में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं झारखंड में। तो दोस्तों, झारखंड में आज भारी बरसात की गतिविधियों के साथ तेज हवाएं चलने और मौसम में बदलाव होने के साथ ओले गिरने को लेकर चेतावनी जारी की है। कल रात से जबरदस्त बरसात देखने को मिली, विभिन्न क्षेत्रों में झमझम बरसात के साथ ओले देखने को मिले और आंधी और बरसात के साथ मौसम में अचानक परिवर्तन होते हुए भी नजर आया। बताया जा रहा है कि 5 से 6 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई और कनकनी झेलनी पड़ती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग की मान तो इन जिलों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया, जैसे कि गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला व सिमडेगा, वही कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ चेतावनी जारी की गई है, जिनमें रांची, खूंटी, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज शामिल है। आज में दोस्तों बताया जा रहा है कि अधिकतम तापमान की बात करें तो बोकारो में 29.2 और चतरा में 27.3 के करीब आ चुका है। झारखंड में पिछले एक सप्ताह के दौरान तेज गर्मी ने लोगों को काफी परेशान करके रखा था, ऐसे में इस सप्ताह बरसात ने लोगों को गर्मी से निजात दिलाई, यानी कि बरसात की गतिविधियों के कारण राहत मिल सकी है। वही दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो यहां पर जो ना बरसात की गतिविधियों के साथ और मिला जुला रहेगा, परिवर्तन भी जारी रहेगा और अगले 2 दिनों तक झारखंड के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ मौसम विभाग की माने तो झारखंड में जो है ना यहाँ पर दोस्तों यातायात में भी काफी दिक्कत हुई और यहाँ पर 8, 9, 10 मार्च तक मौसम धीरे धीरे साफ रहेगा। तब तक बूंदाबूंदी मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी है और अगले 2 दिनों तक मौसम में ठंडक के साथ मेघ गर्जना के साथ मौसम मिला जुला रहेगा। साथ में यहाँ पर दोस्तों जो है ना पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह, साहिबगंज के साथ साथ मध्य निकटवर्ती हिस्सों में यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला व खूंटी में कहीं कहीं पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ वज्रपात देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों, आज राज्य के अधिकांश भागों पर मौसम मिला जुला है, कुछ जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान बरसात की गतिविधियां फिर से देखने को मिलेगी। आज भले ही दोस्तों मौसम कुछ जगहों पर शुष्क हुआ है, लेकिन 6 और 7 तारीख को दक्षिणी हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला, खरसावा में कहीं कहीं पर मेघ गर्जना के साथ बरसात की संभावना है। फिर 8, 9, 10 तारीख को मौसम साफ रहेगा और मौसम विभाग ने बताया कि रुक रुक कर बरसात से आमजनों के साथ साथ किसानों को भी सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। पिछले 24 घंटों की मौसम की बात की जाए तो राज्य में अधिकांश हिस्सों में मेघ गर्जना के साथ मध्यम दर्जे की बरसात हुई। सबसे अधिक बरसात 39 मिलीमीटर बरसात जो है ना धनबाद जिले के मैथन में रिकॉर्ड की गई। वही सबसे अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस रांची में रिकॉर्ड किया गया। अब दोस्तों मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी और झारखंड में मौसम काफी मिला जुला भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान परिवर्तन देखने को मिला। वही दोस्तों यहाँ पर जो है गुमला में 28.5, हजारीबाग में 27.8, जामताड़ा में 23.9, सिमडेगा में 28, लातेहार में 28.1 और यहाँ पर रामगढ़ में 29.1, पश्चिमी सिंहभूम में 30.3, रांची में 27.4 और पाकुड़ में 33 के करीब तापमान दर्ज किया गया। झारखंड में मौसम मिला जुला और शुष्क के पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज समझे तो राज्य के कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात हुई। सबसे अधिक दोस्तों जो है धनबाद में रिकॉर्ड की गई। उसी के साथ मौसम विभाग की मान तो लगभग 8 तारीख से मौसम साफ हो जाएगा, हल्की तापमान में गिरावट के साथ मौसम मिला जुला और परिवर्तन के साथ रिकॉर्ड किया जाएगा। आप किस जिले, गाँव या शहर में रहते हैं पूरे झारखंड के कमेंट करके जरूर बताना। वही दोस्तों यहाँ पर अचानक आई गर्मी के साथ जो है वापस से ठंड देखने को मिल सकती है और बरसात और गतिविधियों के साथ पश्चिम विक्षोभ का असर से वापस से वज्रपात के साथ बरसात होगी। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कई जिलों में हवाएं चलेगी और साथ में अलर्ट भी जारी किया गया है। जैसे कोई बड़ी अपडेट आएगी बरसात और गतिविधियों को लेकर, वैसे आप सभी को सबसे पहले मैं जो है सचेत कर दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। जैसे कि गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला में कुछ हिस्सों में मध्यम दर्जे की बरसात की गतिविधियों के साथ अलर्ट भी जारी है और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। उतार चढ़ाव जारी है, साथ में लोहरदगा, लातेहार समेत मौसम में ठंडक और बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम में ठंडक के साथ परिवर्तन है और मौसम मिला जुला भी है। यहाँ पर एक एक जिले की बात की जाए तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लोहरदगा में 17-18 रात के समय दिन में 25-26-27 दो दिन बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट। मौसम में ठंडक रहेगा, मौसम मिला जुला रहेगा और बदलाव होते हुए नजर आएगा। लातेहार की बात करें तो लातेहार में रात के समय 18-19, दिन में 28-29 बादल छाएंगे, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक और परिवर्तन देखने को मिलेगा और बादलों की वजह के साथ बदलाव होने के आसार है। यहां पर रहता है जार की दोस्तों पूरे के पूरे जो ना मौसम विभाग की माने तो यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी, मौसम ठंडा सोना भी रहेगा और दो दिन बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट भी जताए जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों खूंटी में 17-18 रात के समय दिन में 26-27 बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन, मौसम मिला जुला और मौसम ठंडा सोना भी रह सकता है और बादलों की वजह के साथ परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ पर बताया जा रहा दोस्तों पूरे के पूरे जामताड़ा में बूंदाबूंदी, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक और बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट है, मौसम मिला जुला रहेगा और अधिक से अधिक परिवर्तन होते हुए नजर आएगा।
यहाँ पर बताया जा रहा है कि हजारीबाग में 17-18 रात के समय तो दिन के समय मौसम में बदलाव और बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट है। मौसम ठंडा सोना भी रहेगा और मौसम मिला जुला भी रह सकता है और परिवर्तन होने के आसार है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोस्तों पूरे के पूरे गुमला का बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन, बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक और मौसम मिला जुला रहेगा और उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों पूरे गोड्डा का मौसम बदल रहा है, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी, मौसम ठंडा सोना रहेगा, मौसम मिला जुला रहेगा और तेज हवाओं के साथ बदलाव होने के आसार भी जताए जा रहे हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा जगहों पर मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ गिरिडीह में रात के समय 19-20 तो दिन में 30 के आसपास तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक और परिवर्तन होगा और बादलों की वजह के साथ बदलाव होने के आसार है। यहाँ पर दोस्तों गढ़वा में 17-18 रात के समय तो दिन के समय मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन और मौसम मिला जुला रहेगा और मौसम ठंडा सोना भी अधिक से अधिक जगहों पर देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे जो है मौसम विभाग की मानते तो यहाँ पर बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम ठंडा सोना रहेगा, उतार चढ़ाव जारी है और मौसम में परिवर्तन होते हुए नजर आएगा। दुमका में 20-21 रात के समय दिन में 30-31 बादल छाए रहेंगे, बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट, मौसम में ठंडक और मौसम मिला जुला रहेगा और परिवर्तन होते हुए नजर आएगा। वही दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा जगहों पर धनबाद में बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक और परिवर्तन देखने को मिलेगा और बादलों की वजह के साथ मौसम मिला जुला भी रह सकता है। वही दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा जगहों पर उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन, मौसम ठंडा सोना रहेगा, उतार चढ़ाव भी जारी और बादलों की वजह के साथ सोमवार को बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट भी जताया जा रहा है। यहाँ पर कुछ कुछ जगहों पर दोस्तों अधिक से अधिक तापमान, उतार चढ़ाव जारी, मौसम ठंडा सोना रहेगा और बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है और काफी ज्यादा जगहों पर दोस्तों बादलों की वजह के साथ सोमवार को बरसात गतिविधियां जारी रहने के आसार बताए जा रहे हैं। वही दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा जगहों पर जो है ना मौसम विभाग की माने तो यहाँ पर चतरा में अगले 24 घंटों के दौरान बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम ठंडा सोना रहेगा, मौसम मिला जुला रहेगा। सिमडेगा में 19-20 रात के समय तो दिन के समय 30-31 के करीब तापमान रहेगा, बरसात की गतिविधियों के साथ अलर्ट, मौसम में ठंडक, मौसम मिला जुला भी रह सकता है। यहाँ पर दोस्तों पूरे खरसाओं में 21-22 रात के समय तो दिन में 30-31 बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन, मौसम ठंडा सोना और मौसम मिला जुला रहेगा, उतार चढ़ाव भी जारी रहेगा और बादलों की वजह के साथ परिवर्तन और मौसम विभाग भी जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर 30 के आसपास तापमान रहने के आसार है। वही दोस्तों जो है ना काफी ज्यादा जगहों पर बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक और मौसम मिला जुला रहेगा और परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर साहिबगंज में 21-22 रात के समय तो दिन में 30-31 बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक और मौसम मिला जुला रहेगा और परिवर्तन होने के आसार भी जताए जा रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजधानी रांची में 17-18 रात के समय दिन में 26-27 बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी, अगले 24 घंटों के दौरान बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट और मौसम में ठंडक के साथ परिवर्तन होगा। वही दोस्तों यहाँ पर जो है रामगढ़ में बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी, अगले 24 घंटों के दौरान बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में बदलाव होगा, उतार चढ़ाव जारी है, मौसम में ठंडक के साथ परिवर्तन होने के आसार भी जताए जा रहे हैं और काफी ज्यादा जगहों पर और भी ज्यादा ठंडा सोना रहेगा। वही दोस्तों यहाँ पर जो ना पलामू में 2 दिन बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक, मौसम मिला जुला रहेगा और तेज हवाओं के साथ बदलाव होगा। पाकुड़ की बात करें तो पाकुड़ में 21-22 रात के समय दिन में 30-31 अगले 24 घंटों के दौरान बरसात की गतिविधियों के साथ झारखंड के मौसम में ठंडक और मौसम मिला जुला रहेगा। आप किस जिले गांव